चाचा जी हमारे देख लीजिए, ये भी हमारे चाचा जी चाचा जी। और कभी भी आपको आना हो तो बिल्कुल आ जाइए यहाँ पे। यहाँ का व्यू है इंदिरा मार्केट का, ये यहाँ का व्यू है, ये देखिए। ओहो देखिए दोस्तों, हमारे दादाजी हीरो हीरालाल। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और एक नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत है। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और सभी दोस्तों को मेरे दादाजी और मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं सभी दोस्तों को। तो हम आए हुए हैं अभी जयंत में, तो आए थे तो हमसे दादाजी से मिलने अपने। ये हमारे पापा जी के मामा जी है, मतलब हमारे दादाजी। तो नाश्ता पानी इतना हो गया है कि एकदम बिल्कुल टंच हो गया। और दादाजी क्या है ना कि जब भी मैं आता तो हमेशा हूँ, लेकिन कब आते हैं, जब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम रहता है ना तब मिलने आते हैं, क्योंकि बाबा छोड़ते नहीं, बता रहे इतना खिला देंगे ना कि एकदम इतना प्यार करते हैं। हाँ, अब कुछ बोलेंगे होली के विषय में सब दोस्तों, कुछ बता दीजिए, आप भी बोल दीजिए कुछ। बाबा दोस्तों कुछ बोल दीजिए आप भी होली में, क्या कुछ, कैसे होली खेले, कैसे ना खेले। हैप्पी होली, सब मिलजुल के होली खेलें। अच्छा, हाँ, लड़ाई झगड़ा ना करें, होली खुशी का दिन है, दुश्मन को भी गले मिला जाता है। अच्छा, हाँ, अच्छा होली के दिन रंग, अच्छा होली के दिन रंग खिल जाते हैं, रंगों से रंग मिल जाते हैं, है ना। और कुछ बोलेंगे, और क्या बोले, बस इतना ही। हाँ बस, मतलब दादाजी का आशीर्वाद है कि मतलब बोल रहे हैं और आशीर्वाद भी दे दिए हैं आपको, होली की बहुत सारी बधाई। और होली आराम से खेलें आप सब, लड़ाई झगड़ा ना करें, आपके दुश्मन भी हैं तो उनको भी दोस्त बना लें, उस समय उस दिन से दोस्ती चालू कर दें आप, ठीक है। तो अभी बैठे हुए बहुत, अब दो घंटे से बैठे हुए, इतना खा लिए कि उठने का मन नहीं कर रहा। हाँ फिर चलते हैं, आपको बाहर दिखाते हैं। ये हम जहाँ पर बैठे हुए ना, ये जयंत का इंदिरा मार्केट है, गुप्ता होटल, मिठाई की दुकान है बाबा का, मेरे बहुत ही प्रसिद्ध, मतलब प्रसिद्ध मिठाई दुकान है, प्रसिद्ध, जो जयंत में रहते उनसे पूछेगा, ठीक है ना। तो बाहर चलते हैं, आपको दिखाते हैं, चाचा से मिलवाते हैं, फिर दुकान दिखाते हैं। ये देखें, ये है हमारे दादाजी, ये हमारे चाचा जी हैं, ठीक है ना। इनकी मतलब ये मिठाई की दुकान है, प्रसिद्ध है ये इंदिरा मार्केट में, जयंत इंदिरा मार्केट। बार बार बोलते हैं ना यार कि बाबा की दुकान है बगल में इंदिरा मार्केट में, तो यही है मिठाई की दुकान, और कुछ किराने की दुकान भी है। हाँ, और गाड़ी मेरी वहाँ खड़ी है, एक मिनट, वो देखिए वहाँ गाड़ी, अब वो हमारे चाचा जी की गाड़ी अभी खड़ी रहती है, बेचारी बोलती है हमेशा साफ कर लो, साफ कर लो, मुझे साफ कर दो, साफ कर दो, लेकिन बिजी रहते हैं तो साफ कहाँ से होंगे। जब कहीं जाना होता गाँव मिर्जापुर वगैरह जाते हैं तो फिर उस समय सर्विसिंग होती है, नहीं बेचारी खड़ी रहती है। चाचा चले, हाँ प्रणाम चाचा, ये चाचा जी हमारे देख लीजिए, ये भी हमारे चाचा जी चाचा जी। और कभी भी आपको आना हो तो बिल्कुल आ जाइए यहाँ पे, यहाँ का व्यू है इंदिरा मार्केट का, ये यहाँ का व्यू है, ये देखिए, ठीक है ना। ये दोस्तों अब चलेंगे हम कहाँ, जहाँ पे हम आए हुए थे, हम आए थे नेहरू हॉस्पिटल में, तो मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, बिल्कुल बंद हो गया था, क्योंकि रात भर स्टेशन में थे, स्टेशन से आए तो मोबाइल बंद हो गया। अब किसी को ले के आया है तो वहाँ छोड़ के आ गया मैं, यहाँ पे 2-3 किलोमीटर दूर है यहाँ पे। तो नाश्ता पानी सब हो गया जम के, मोबाइल भी चार्ज कर लिए, सोचे एक ब्लॉग बना देते, बहुत दिन से सोचे थे दादाजी की दुकान का एक ब्लॉग बना देते, तो आज टाइम मिला तो बना दिए, ठीक है। चलिए चलते हैं आपका जयंत नेहरू हॉस्पिटल, ठीक है। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाल। धन्यवाद धन्यवाद। और यहाँ से हमें मुड़ना है दोस्तों लेफ्ट में,
यहाँ से हमको लेफ्ट मुड़ना है। अब लेफ्ट मुड़ के हमको निकल जाना है कहाँ पे, सीधे ये हम आगे मेन रोड पे। सबसे खतरनाक ब्रेकर दोस्तों, सबसे खतरनाक ब्रेकर ये देखिए, ये और ये देखिए। महापुरुष किसी जाति या राष्ट्र के नहीं बल्कि समस्त विश्व के होते हैं, क्या बात है। चलिए दोस्तों हम एंट्री कर चुके हैं नेहरू हॉस्पिटल की तरफ। यहाँ दोस्तों पार्किंग में गाड़ी लगा दिया जाए और छाया में सामने लगाते, छाया रहेगा ना सामने। ओ दोस्तों पार्क में लगा दिए गाड़ी पार्किंग में, और यहाँ का एक पार्किंग वहाँ भी है सामने, ये यहाँ का पार्किंग है और वो हॉस्पिटल है नेहरू हॉस्पिटल। बहुत सारा ब्लॉग में हम डाल चुके हैं यहाँ का ब्लॉग, तो वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। महादेव मेरे सभी दोस्तों को खुश रखे, मस्त रखे। हैप्पी होली सभी दोस्तों के, प्यार से खिलेगा, आराम से खिलेगा, जैसे हमारे दादाजी बताए ना, बिल्कुल दुश्मन को भी दोस्त बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। शाम का ब्लॉग फिर आएगा, सिंगोली का, होलिका का ब्लॉग आएगा, ठीक है ना। ये ब्लॉग यहीं तक, बाय बाय।